नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आपका भी सेप्टिक टैंक से पानी लीकेज हो रहा है? आपने सेप्टिक टैंक तो बना लिया लेकिन पता चल रहा कि भाई पानी उसमें भरा हुआ है। अब इसका क्या समाधान है? और ये समस्या कब आती है? जहाँ पे पानी का लेवल मतलब कि 2 से 3 फीट, जैसे आप साइड में देख रहे हैं 2 से 3 फीट अगर आप खोदेंगे तो वहाँ से फिर पानी आने लगता है। और कभी भी जो है, और उस जगह पर लोग क्या करता है कि भाई ईंट का 9 इंची का ईंट का वाल देख करके जो सेप्टिक टैंक बना देता है। अब इस सिचुएशन में पानी वहाँ रुक ही नहीं पाता क्योंकि बाहर से प्लास्टर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा दीवार से सटाई काटते हैं। अब क्या करें यहाँ पे? तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पानी पूरा भरा रहेगा तो आपका तुरंत ही जो है सेप्टिक टैंक चालू होने से पहले पूरा भर जाएगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा, हमेशा भरा रहेगा, आपको हमेशा बार बार जो है खाली करना पड़ेगा। अब इसका समाधान क्या है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं और वो जो है सेप्टिक टैंक बना तो लिए हैं लेकिन फिर अब उसका तरीका क्या है कि भाई क्या ऐसा किया जाए कि आपके सेप्टिक टैंक में पानी ना भरे बाहर के मिट्टी से आकर के। चलते हैं देखते हैं इसका तरीका, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या है कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम आपको इसमें तरीका भी बताएंगे कि इसमें क्या तरीका कर सकते हैं। हाँ, इस जगह पे जहाँ पे पानी का लेवल ऊंचा रहता है उस जगह पे हम हर किसी को यही एडवाइस देते हैं कि जब भी कभी आप सेप्टिक टैंक बनाएं वहाँ पे RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये हो गया ब्रिक का वाल नहीं देना, वहाँ पे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट देना है। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो कि बोलते सर सेप्टिक टैंक से मैं पानी लीकेज हो रहा, क्या करें। समाधान देखिए, आप एकदम निश्चिंत हो जाइएगा वाह कि अब तो मुझे कोई भी तरह का परेशानी नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ तक तो उसी वाल खराब हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है छत भी जो है ढलाई कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो अब देखिए, तो अब इस सिचुएशन में क्या करना हमें, तो एक और हम एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे भी देखिए प्लिंथ लेवल तक काम हो गया लेकिन ये सेप्टिक टैंक, जबकि यहाँ प्लास्टर भी हो गया, पनिंग भी कर दिया गया लेकिन तब भी जो है पानी भर गया, पानी लीकेज हो रहा है। इस समस्या का समाधान एक ही है कि भाई इसके जगह पे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट मतलब कंक्रीट का वाल बना दिया जाए। उस सिचुएशन में आपका कभी भी जो है ये पानी का समस्या नहीं रहेगा। अब उसके लिए क्या करना है हम वो भी दिखाते हैं। तो उसके लिए देखिए, चारों साइड से आपको क्या करना है, कंक्रीटिंग वर्क करना है दीवार सटा करके। तो और यहाँ पे भी एक और हम एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे अब प्लास्टर और पनिंग हो गया। तो अब आपको पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले जो वाल है प्लास्टर और पनिंग को सबसे पहले हटा देना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, प्लास्टर पनिंग हटाएंगे तभी जा करके जो है ये पॉसिबल है। और उससे पहले अगर आप उसके ऊपर जो स्लैब मतलब छत ढलाई कर दिए हैं तो उसको आपको तोड़ना है, याद रहना चाहिए तोड़ना है। छत तोड़ेंगे तभी जा करके आपका जो है वाल एग्जीक्यूशन करने में सही रहेगा, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। अब हम यहाँ लेके चलते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये देखिए, इस अगर आप इसकी बात करेंगे हम, तो इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं और हम जो है एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं तो आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी होगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड ओपन, रिफ्रेश, खैर व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है शायद, अगर देख भी लेते हैं तो चलते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है, होने वाला हो रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि भाई यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लग रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अब देखिए, तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा मेरा वो ध्यान दीजिएगा आप,
और पूरा जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है कैसे करना है। तो जो आपका सेप्टिक टैंक है, मान लीजिए ये मेरा ज़मीन लेवल से मेरा सेप्टिक टैंक है, कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया? ये पहले जो है मान लें ब्रिक का बना हुआ है, ये वाल जो है ब्रिक का बना हुआ है और नीचे पीसीसी, एक मिनट, ये वाल ब्रिक का बना हुआ है और नीचे पीसीसी मान लें किया हुआ, ठीक है, ये मान लें ब्रिक है। इसको हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं, तीन पॉइंट पे ला देते हैं, ठीक है, अरे तीन पॉइंट पे आ जा भाई, हाँ ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसमें, इसको भी जो है थोड़ा पतला पतला है, ये है, ये भी थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ ब्रिक वाल देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में जो है आपको एक यू शेप में जो है आपको क्या करना है, सरिया लगाना है, ऐसे करके सिंगल जाली लगाना है, ठीक है। ये आपका हो गया स्टील, यहाँ ध्यान रहना चाहिए, स्टील हो गया, ये हो गया वर्टिकल स्टील, और इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल जो है कुछ इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देना है नीचे ऊपर सब जगह, ये वाला, ये हो गया वर्टिकल, ये वाला हो गया, और हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह का, ये वाला हम दे रहे हैं, ये लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके, अब बात करते हैं थिकनेस कितना होगा। तो आपको क्या करना है, हाफ इंची थिकनेस सटरिंग करके जो है, सबसे पहले जो आएगा काम, इसको अभी छोड़ दीजिए, सबसे पहले काम आएगा मेरा इसका फ्लोर का, पहले फ्लोर का जो है आरसीसी वर्क कर देंगे, ठीक है। ये फ्लोर आरसीसी वर्क हो गया, ये आपका हो गया आरसीसी, ब्रिक को हम कन्वर्ट करें आरसीसी में, कभी भी सीपेज नहीं होगा। फिर करने के बाद जो है फिर साइड से सट्रिंग मारेंगे इधर से, और साइड से सट्रिंग मारेंगे इधर से, फिर इसको जो है ढाल देंगे। मतलब कि अगर ऐसा आप गलती किए हैं तो ब्रिक से सटा करके जो है आपको आरसीसी कर देना। अब इसमें जो है ये हो गया आपका सेप्टिक टैंक। अब इसमें जो है कभी भी जो है पानी सीपेज नहीं होगा। फिर आप उसके ऊपर जो छत ढलाई कर दीजिए, हो गया, यहाँ पे मैन होल दे करके छत ढलाई कर दीजिए, है क्लियर। हम वीडियो देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए किस हिसाब से इसको जो किया जा रहा है। यहाँ पे पहले ब्रिक का था, फिर बाद में जब इस तरह का पानी आने का समस्या आ गया तो नीचे जो है आरसीसी पहले कर दिए, फिर साइड से जो है डेढ़ इंची लेकर के जो है साइड से सट्रिंग किए, और फिर उसमें जो है हम लोग कंक्रीट पोरिंग करना शुरू कर दिए। देख रहे, कंक्रीट भर देंगे, फिर जा कर के ये आपका कोई भी तरह का जो सेप्टिक टैंक लीकेज हो रहा है वो कभी भी लीकेज नहीं होगा, है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए जो है आप मेरे चैनल पे, अगर आप ऐसे ही वीडियो जो है यूनिक वीडियो देखना चाहते हैं, आप ज़रूर ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही जो है यूनिक वीडियो देखने को मिलेगा। और मतलब कि आपका हर एक समस्या का समाधान मैं करूँगा। और आपका अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये तक जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।